देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह टहलने जाए तो हो जाए सावधान, चोरों के हौसले हुए बुलंद। बताते चले कि मामला है शहर की पास का बनी डीडीपुरम एकता नगर में। दिन दहाड़े घर के बाहर चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। सुबह 7:30 बजे एकता नगर निवासी विजयपुरवार अपनी गाय की सेवा कर रहे थे। दूध दुलवाने के बाद उन्होंने जैसे ही दूध की बाल्टी घर में देने का मुंह फेरा, पीछे से आया दो बदमाशों ने उनके गले से चैन निकाल के झपट्टा मार लिया। दूसरा व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट किए खड़ा था। पुरवार बदमाशों के पीछे भागे तो गिरकर चोटिल हो गए। बदमाश पकड़ में नहीं आया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास की सीसीटीवी फुटेज अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर प्रेमवर सीताम शर्मा ने सक्रिय टीम को लगा दिया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। मैं मिलन पुरवार B71 एकता नगर का निवासी हूं। मेरे पिताजी प्रातः काल सुबह 7 बजे मेरे घर में गौशाला बनी हुई है, वहाँ दूध दुआने गए थे। दूध दुआ के जैसे ही वो बाहर निकले, दो व्यक्ति पल्सर बाइक पर आए और उन्होंने पता पूछने के बहाने गाड़ी रोकी और चेन गले से चेन खींची और खींचने के तुरंत ही बाद मोटरसाइकिल भगाकर ले गए। मेरे पिताजी उनको पकड़ने के लिए दौड़े और उनके दोनों घुटने छिल गए। वो बेचारे बुजुर्ग होने के नाते इतना तेज नहीं भाग सकते थे। 65 साल की आयु में कैसे आदमी भाग सकता है, ये भी आपको पता ही होगा। दोनों घुटने, हाथ पैर, हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया हाथ में और दोनों घुटने, हाथ पैर सब छिल गए। अब देखिए ये घटनाएं राजेंद्र नगर और डीडीपुरम एकता नगर जैसे शहर में, बीच बरेली शहर के अंदर ये हो रही हैं। ये कैसे इसको रोका जाए, इसका तुरंत पुलिस अपने एक्शन ले और इसके आगे तुरंत तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें।